हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड डाइट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने आईब्रोज और आईलैशेस को थिक और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। हमने ये 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे आईब्रोज और आईलैशेस को नरिश करता है और साथ में ये ठीक करता है और ये रीग्रो भी करता है हमारे आईलैशेस को। इसमें मौजूद विटामिन ई हमारे हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जिससे हमारे आईलैशेस और आईब्रोज ज़्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इससे ये ठीक दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल लेंगे। जितना हमने कैस्टर ऑयल लिया है उतना ही कोकोनट ऑयल लेंगे और इसको ये मिक्स कर लेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। इससे क्या होता है ना कि आँखों में कोई इरिटेशन भी नहीं होती है और ना ही कोई आँखों में कोई दिक्कत होती है, इसलिए ये आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले आँखों को अच्छे से पानी से धुल लें ताकि जो भी आई मेकअप हो उस पर वो हट जाए, रिमूव हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं ना, अपने फिंगर टिप से ये ऐसे इस फिंगर से फिंगर टिप में हल्का सप्लाई कर लेते हैं, या फिर आपके पास अगर ईयरबड हो तो आप इसको भी ले सकते हैं। इससे लेके आप आईलैशेस और आईब्रोज पे इसको लगा के हल्के हाथों से मसाज करना है। इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा देर तक ऐसे से मसाज करते चारों तरफ फिंगर टिप से भी, ऐसे फिंगर टिप से आईलैशेस के ऊपर और नीचे चारों तरफ थोड़ी देर मसाज करके आपको ऐसे ही सुबह आप इसे वॉश कर लें। कुछ ही हफ्तों तक आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने में ये फ़र्क महसूस होगा और लगेगा कि रिज़ल्ट 100% मिल गया है।